मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई 26 लोगों की मौत के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सहायक आबकारी आयुक्त संदीप मिश्रा शर्मा के निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने शहर के आसपास कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की, जहां से 6,75,000 रुपए की अवैध कच्ची शराब बरामद की, लेकिन मौके से एक भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। वहीं आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि घाटी गांव में छापा मारा गया, जहां रेलवे पटरी के किनारे जमीन में गड़े ड्रम मिले, जिनमें अवैध शराब और लहान भारी मात्रा में मिला। कंजरों के डेरों पर छापा मारा तो काफी मात्रा में लहान एवं हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई और काफ़ी ड्रम रेलवे के किनारे गढ़े हुए, रेलवे की पटरी के किनारे गढ़े हुए मिले, जिनमें से हाथ भट्टी मदरा भरी हुई थी, जो ड्रमों को खोद कर निकाला गया, जिसमें करीब 150 लीटर हाथ भट्टी मदरा बह गई और करीब 525 लीटर हाथ भट्टी जब्त की गई।